हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक और सपोर्ट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास लाने का। तो गाइज़, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसको देख के शायद आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ कि अरे ये कहाँ चली आई अंजलि, ये कौन सा जगह पे मैं आई हूँ, क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पोज भी मार रही हूँ, और ये देखिए वो जगह। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस जगह को पहले एक्सप्लोर किया है, देखा है, नहीं देखा है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि आप जानते हो कि नहीं। मैं आ गई हूँ हवेली में। हवेली, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये मैं हवेली पे हूँ अभी। मैं आई हूँ शोमिल के साथ एक बहुत सुंदर हवेली में। तो ये हवेली किसकी है, कहाँ है, क्या है, और ये हवेली में मैं क्यों चली आई, ये भी मैं आपको सब बताऊँगी। तो गाइज़, आप बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक म्यूजिशियन बैठे थे जो कि म्यूज़िक बजा रहे हैं एंट्री गेट पे, ठीक है। और आप काफ़ी सारी गेट्स पे देख सकते हो पार्क किया हुआ है गाड़ियाँ। पर ये जगह है क्या, 70 माइलस्टोन हवेली। जी हाँ, 70 माइलस्टोन हवेली क्या है, ये कौन सी जगह है। तो गाइज़, अभी सस्पेंस को ख़त्म करते हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आपने मेरी शिमला वाली सीरीज़ फॉलो की होगी, शिमला मनाली वाली, तो आपको याद होगा कि मनाली का मैंने आपको होटल दिखाया था, अटल टनल के बारे में दिखाया था। तो अब हमारा ये ट्रिप वेरी सैडली ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। तो जब हम लोग मनाली से वापस लौट रहे थे, तो ये उसका जर्नी है जो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी और आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, हम लोग मनाली से निकल चुके थे, और मनाली से निकलने के बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे, हम लोग पानीपत आ चुके थे। तो हम लोगों ने स्टे किया, अभी बहुत रात हो गया था, आई थिंक 8-8:30 बज चुका था। तो इतने रात को ट्रैवल करना सेफ़ नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक रात को यहाँ पे रह लेते हैं पानीपत में, और फिर हम लोग सुबह दिल्ली के लिए अपने मतलब वो जो लास्ट हमारा जो ट्रेन जर्नी है, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो हमारा एंड ऑफ द ट्रिप है मनाली एंड शिमला सीरीज़ का। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि, और बहुत बॉडी टायर्ड हो गया था सुबह से, मनाली से निकल के हम लोग इतना लंबा जर्नी करके पानीपत तक आए थे, तो हमने सोचा कि नहीं, एक रात यहाँ स्टे करना चाहिए। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है वो ब्यूटीफुल होटल जहाँ पे हम लोग पानीपत में रुके थे, और जो हवेली की मैं आपसे बात कर रही थी। हाँ गाइज, ये हवेली का ही रूम है, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट रूम। मैं जब रास्ते से आ रही थी हाईवे से, तो हम लोगों ने, हमारे जो ड्राइवर जी थे हमारे साथ, काफ़ी सारे होटल में हम लोग स्टॉप किए चेक करने के लिए कि कौन सा सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए नाइट स्टे करने का, बिकॉज़ हम कहीं भी ऐसे वैसे जगह पे नहीं स्टे करना चाहते थे। उस समय हमारे दिमाग में यही था कि भले ही थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े चलेगा, बट सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी, और लोकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि रात में रहने में हमें दिक्कत फील ना हो। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसी होटल में रहेंगे, और इसका वाइब बहुत अच्छा था। हमें पे करना पड़ा था 3,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे रहेंगे क्योंकि इसका वाइब अच्छा है। यहाँ काफ़ी क्राउड है, और हाईवे पे जब भी आप रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। और ये देखिए, इसका वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, गीज़र है, जो मेन चीज़ें सब कुछ होनी चाहिए, एमिनिटीज़ वो सारे कुछ थे, टॉयलेटरीज़ भी था साइड में, तो वो सारा चीज़ भी अवेलेबल था। एंड हमें स्लीपर भी दी गई थी जिस रूम के लिए, जो स्लीपर्स होते हैं वो, और रूम भी देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बेड है, एसी भी था, फ़ैन भी था, भले में एसी की ज़रूरत नहीं थी, कबर्ड वगैरह भी दिया हुआ था। और ये देख सकते हैं साइड में आपको दिख रहा होगा डाइनिंग टेबल रूम के अंदर, इतना बड़ा और स्पेशियस रूम था कि इधर पे डाइनिंग टेबल भी दिया गया था विद 4 चेयर्स। हमें काफ़ी भूख लग रही, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, अच्छे सामने देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी था। आधा घंटा लगा इन्हें बनाने में, बट फाइनली एंड रिजल्ट वॉज वेरी गुड। और ये देखिए, यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय काफ़ी फेमस है हवेली पे, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था कुल्लड़ चाय। और ये बाहर का, अभी आपको मैं लॉबी एरिया दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर, काफ़ी अच्छा, स्पेशियस, वेल लिट। और गाइस, सुबह हो गया और हमें चेकआउट करना था, हम सिर्फ एक ही रात के लिए यहाँ पे रुके थे। तो अभी देखिए, शोमिल नीचे लगेज लेके जा रहा है, तो अभी हम लोग जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रेन भी थी, तो हम लोग आई थिंक 9 बजे सुबह निकल गए थे, तो ब्रेकफास्ट करते ही। और अभी देखिए, मैं आपको पूरा इसका रेस्टोरेंट एरिया जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि रेस्टोरेंट कैसा था यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही प्रिटी, बहुत बड़ा, और काफ़ी ज़्यादा रॉयल
एक फीलिंग है, एक हवेली में जिस तरह का ना टेक्सचर आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, उस तरह महल वाली फीलिंग, वो जो यहाँ पे जाली लगा हुआ है वो पूरा महल वाला फीलिंग दे रहा है। एंड जिस तरह के से विंडो का एक पैनल डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब इसका जो कारीगरी किया हुआ है ना जगह में, इंटीरियर्स में, ये आपको बहुत ज़्यादा हवेली और एक रॉयल और एक पैलेस वाला फीलिंग देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। और जो आपको ये लोग प्लेट में सर्व करते हैं वो भी नॉर्मल कांच की प्लेट या स्टील की प्लेट्स नहीं होती है, वो आपको पीतल के थाली में चीज़ें सर्व करते हैं। जो भी फूड आपको मिलेगा, ग्लास भी जो आप देख सकते हो, देखिए पीतल का रखा हुआ है। तो ये पूरा आपको ना एक देसी फील के साथ, एक आपको जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके साथ आपको काफ़ी कनेक्शन महसूस होगा इस होटल में। और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टाफ्स हैं यहाँ पर, तो आपको काफ़ी सेफ और अच्छा फीलिंग आएगा। ये देखिए पीतल की ग्लास और थाली और कटोरी छोटी छोटी और चम्मच भी। तो और ये देखिए यहाँ का मेन्यू कार्ड, खैर हमें मेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ हमें करना तो ब्रेकफास्ट ही था और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन जो जो था। नॉनवेज ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलता है सुबह, तो सुबह आपको वेज ही लेना पड़ता है। तो वेज में आलू पराठे इज़ देयर। फिर शोमिल ने ऑर्डर किया था वेज सैंडविच, और ग्रिल्ड सैंडविच वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, वहाँ पर इसी तरह के सैंडविच नॉट ग्रिल्ड सैंडविच जो होते हैं ग्रिल किया हुआ नहीं रहते। और ये देखिए सुबह सुबह टेस्टी टेस्टी कुल्लड़ चाय। एक चीज़ बहुत अच्छा है, दिल्ली पंजाब या पानीपत कुरुक्षेत्र उस तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे पराठा का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। वहाँ राइस कम लोग खाते, पराठा में ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसमें मक्खन और बटर वगैरह लगा के देते हैं। तो गाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया पूरा, सब कुछ हो गया। अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा ट्रिप जो है ये ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत ही गंदा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे और शोमिल को, जो मुझे हर ट्रिप के बाद आता है। जब भी कोई ट्रिप ख़त्म होता है तो मेरा दिमाग एकदम गर्म सा हो जाता है, दुख ही हो जाती हूँ मैं। जो आपको बताया मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, ये एक्चुअली मेरा इंटरनल फीलिंग है जो मैंने आपके साथ बहुत ऑनेस्टली शेयर किया। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है एक ट्रिप ख़त्म होगा फिर ही तो दूसरा चालू होगा। हाँ ये बात सही है, बट मेरा एक दो दिन मैं अपने उस ट्रिप वाले जोन में रहती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। मुझे बहुत अपसेट वाला फीलिंग रहता है मेरे मन में कि मेरा ट्रिप क्यों ख़त्म हुआ है यार। तो गाइस ये देखिए हवेली का आपको मैंने इवनिंग में दिखाया था, अभी देखिए आप इसका मतलब मॉर्निंग लुक। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, कुहासा था, फॉग था पूरा। और ये देखिए रॉयल हाथी दोनों तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। और गाइस आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बहुत ही लैविश प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पर रहना पड़ा क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसा था, बहुत लोग रहते नहीं हैं, वो लोग सिर्फ आते हैं खाते पीते हैं इन्जॉय करते और निकल जाते हैं। बट हम क्योंकि हमें रहना था और हम मैंने जैसे आपको बताया था अपने वीडियो में कि सेफ्टी वाज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हमने ऐसा लोकेशन चुना जो कि काफ़ी सेफ भी हो, लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा हो और काफ़ी लोगों का क्राउड भी हो। तो ये सारे चीज़ों को दिमाग में रख के अगर आप फैमिली के साथ आते हो, कपल आते हो, तो अगर आपको कहीं पर रहना है तो आप डेफिनेटली ये जगह चूज़ कर सकते हो। आई लव पानीपत, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हवेली में जो मैंने आपको लोकेशन बताया, ज़रूर रहिए। और ये देखिए हमारा कार्ड नंबर जिसमें हम लोग ट्रैवल किए थे, क्योंकि हमारा वीडियो एंड होने वाला है उनका। अगर आप लोग मनाली या शिमला ट्रिप करना चाहते हो तो आप लोग नरेश कुमार, यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है ड्राइवर का। और ये देखिए सारे डिटेल्स हैं विद फ़ोन नंबर। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।